जो महिमा जानकर लिए सर्वोत्ता राजा रंग अमीर गरीब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेता अभिनेता जो भी आता है सर्वोत्त के लिए आता है। इसी का मेला लगता है, इसी का पर्व मनाया जाता है। मंदिर में नहीं जाते? यार एक मिनट बता रहा हूँ, मंदिर में यात्री लोग जाते हैं केवल दर्शन करते हैं। जो महिमा जानकर लिए जब ब्रह्मा जी का बसाया ब्रह्म सरोवर है, इसी का मेला लगता है, इसी का पर्व मनाया जाता है। यह सरोवर कैसे बना, यात्री लोग क्यों आते हैं, इसका मेला क्यों लगता है, सामर्थ्य ने ब्रह्मा जी को शराब क्यों दिया, इसका आपको जानकारी बता देते हूँ। कोई बीच में समझ में नहीं बैठे तो वापस पूछ लेना। बोले पुष्कर जी महाराज की, यह पुष्कर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जिसके लिए आप सभी लोग यहाँ पे आते हो। हमारे यहाँ पुष्कर का कोई मंदिर मूर्ति प्रतिमा नहीं है, पुष्कर नाम है ब्रह्म सरोवर का। यह ब्रह्मा जी का बसाया हुआ ब्रह्म सरोवर कहलाता है। क्यों? कि हिंदू देवता में तीन देवता बने हैं, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्म। जो सृष्टि की रचिता है वो है ब्रह्मा जी महाराज। विष्णु का धाम गया जो बिहार में, शिव का धाम काशी जो उत्तर प्रदेश में, तुलसी में कहीं पर भी ब्रह्मा का धाम नहीं था। इसलिए भगवान मृत्यु लोक से ब्रह्मा जी महाराज भगवान विष्णु भगवान की नाभि से कमल के पुष्प की उत्पत्ति करके वो कमल का पुष्प अपने हाथों से तोड़ के गिराते। तो यह कमल का पुष्प पृथ्वी लोक में जहाँ पर भी जाके गिरेगा वहीं मेरा स्थान बनेगा। वो कमल का पुष्प संसार के सात चक्कर काटता हुआ इधर बीच में आके गिरता है। गिरने से यहाँ से सात पाताल तोड़ के जल निकलता है। जल निकलने से नगर गांव शहर टाउन का नाम पड़ता है उस पलस कर पुष्कर। पुष्कर बनने के पश्चात में ब्रह्मा जी इसी जगह पर बैठ के हजारों साल तपस्या करके वेद माता गायत्री को उत्पत्ति करते हैं। वेद माता गायत्री कैसे मनाते हैं? गाय के मुख से तीन बार चारा खिलाने के पश्चात में जो गाय पेट के द्वारा गोबर करती है, उस गोबर से मंत्रों द्वारा उसको बनाते हैं वेद माता गायत्री। गायत्री बनाने के पश्चात में ब्रह्मा जी महाराज यज्ञ मंडप में बैठा करते हैं। इधर से यज्ञ चालू होता है, इधर में सामर्थ्य माता आगे देखती है कि अपनी जगह अपने स्थान पर दो से पत्नी बैठ करके यज्ञ परिपूर्ण कर रही है। तो सामर्थ्य माता गुस्से में प्रवर्तित हो जाती है और विचार धारण करके ब्रह्मा जी महाराज को श्राप देती है कि तूने मेरी जगह मेरे स्थान पर दूसरी पत्नी को बैठा करके यज्ञ परिपूर्ण करे और गृहस्थी जीवन पारिवारिक जीवन और पत्नी जीवन का अपमान कर रहा है, इसलिए मैं आपको यह श्राप देती हूँ कि वो आपका भौतिक जो मंदिर होगा पूरे संसार पूरे विश्वभर में एक होगा। और जो जूते चप्पल बाहर खोलो भैया, जूते चप्पल पूरे संसार भर में एक ही होगा और जो मंदिर होगा उसका कोई मैं जानकारी ब्रह्म रूप है, ब्रह्मा का जो रूप है उसका सरोवर। आप चारों धाम की यात्रा करो, जब तक आप पुष्कर जी की यात्रा नहीं करते हो यात्रा अधूरी मानी जाती है। गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है, यह सारे तीर्थों का गुरु माना गया है कि सब तीर्थ की यात्रा करने के पश्चात में आप पुष्कर जी की यात्रा नहीं करते हो तब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। संसार भर में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर में आपके आते फूल माला अगरबत्ती प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ता। क्यों? यह सामर्थ्य माता है, इनका श्राप है। जो आता है सरोवर के लिए आता है, जो महिमा जानकारी है सरोवर का है। ब्रह्मा का मूर्ति ना तो आप घर में रख सकते हो ना उसका पूजा कर सकते हो, इसीलिए किसी शहर में किसी गांव में किसी टाउन में आप ब्रह्मा का मूर्ति नहीं देखोगे। यात्री लोग सरोवर में तीन काम के लिए आता, पहला काम है राजी खुशी घूमने के लिए, दूसरा कार्य किसी के साथ तुल में कोई गुजर जाता है उसका पिंड अस्थि तर्पण जलदान होता है। गया में पिता का पिंड होता है,
इलाहाबाद में माता का, इस तीर्थ में 7 किलो का पिंड तर्पण अस्थि जलदान का लेख है, जिसमें 7 वीडियो का बता रहा हूँ, जिसमें दादा दादी नाना नानी चाचा चाची भाई बंधु कुटुंब कबीला साथ सके। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ का पिंडदान गया में किया, लेकिन गया में उनका मोक्ष कठिन हुआ। भगवान रामचंद्र जी वनवास के टाइम में पुष्कर धाम में आके बालू पिंड का अपने दशरथ पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। तो क्या यह हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है? इसी का महिमा है, इसी का जानकारी है। उसके पश्चात आप चारों धाम की यात्रा कर लो। पुष्कर जी की यात्रा नहीं करते हो तब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है। जोड़े से आता है, जोड़े से बैठ के माँ सावित्री का सुहाग का सिंदूर लिया जाता है। अकेला आता है, अकेला विद्यार्थी आता है, विद्यार्थी घर में सुख शांति व्यापार वर्ती बच्चों की शुभ कामना व्यापार तरक्की के लिए संस्था की तरफ से 20 रुपये का प्रसाद का थाली आता है, जो अपने और अपने परिवार के नाम से चढ़ाया जाता है। दान दक्षिणा अपना श्रद्धा अपना भावना अपना इच्छा का है। जैसा भी दान देते हो कोई कंडीशन नहीं है। यह पुष्कर आने का जानकारी है, यह महिमा जिस जिसको प्रसाद का थाली लेना, जिस जिस रुपये का प्रसाद का थाली है, बोले मुस्कर जी महाराज।